हाँ फिर से आएंगे योगी जी, फिर से आएंगे अखिलेश जी, अखिलेश गए, मायावती के सब गए, आएगा तो कौन मोदी, और आएगा तो कौन योगी, सिर्फ दो ही, हाँ दो ही, और किसी से कोई मतलब नहीं। कोई विपक्ष ये बोल रहा है कि इस सरकार में, योगी जी की सरकार में सिर्फ ठाकुरों की चल रही है। नहीं ये तो कुछ नहीं है। 2022 के चुनाव में भैया तो भगवान ही बता सकता है, लेकिन 2005 में हम लोगों तो भैया अखिलेश के बारे में लगाए हुए हैं। अच्छा अखिलेश जी, अखिलेश दादाजी आप किससे उम्मीद लगाए हैं? अखिलेश से, मायावती है, योगी जी, ठाकुर साहब बैठे हैं सामने। हम भैया ठाकुर साहब को डराई जाए, ठाकुर साहब हमारे जो मन वो बोल जाए तो बताइए ना। देखो लड़ाई अखिलेश और बीजेपी में होगी। जी जी, मोदी जी तो सबई को चिल्लाते हैं कि उनका भला कहे दे, हम यू बटवा दे रहे, मुँह कहे दे रहे, सभी कही ही तो रहे, कुछ बाकी रखे। नमस्कार, मैं हूं मोहित, और हमेशा की तरह आपकी नजर एक बार फिर से हट के डट चुकी है भारत एक सोच पे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी के अंदर जातिवाद वाला हिसाब किताब भैया बहुत तेजी से चल रहा है। हर आदमी ट्रोल कर रहा है, कोई ठाकुरवाद, कोई यादववाद, कोई दलितवाद, सब कुछ चल रहा है। खैर मैं आपको बता दूं कि हमारी फौज एक बार फिर लखनऊ के करीब पलेहिंदा गांव में आ चुकी है। यहां पर तमाम साथी लोग बैठे हैं। इन लोगों से मैं पूछूंगा कि यूपी के अंदर जो जातिवाद वाला हिसाब किताब चल रहा है उसको लेकर के इन लोगों के अंदर क्या रोष है। आइए मेरे साथ। ठाकुर साहब, ये विपक्ष ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि ये योगी सरकार सिर्फ ठाकुरों के लिए ही सोचती है और विपक्ष ऐसा बोल रहा है? अरे विपक्ष तो हाथरस कांड हुआ तो हुआ इसलिए बोल रहा, और जयपुर हुआ कांड हुआ इसलिए नहीं बोल रहा। वहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का चले जाते हैं, वहाँ भी जाने चाहिए। आदमी आग लगा पेट्रोल फूंक देने का एक पुजारी, वहाँ के पास समय नहीं है। हाथरस समय रहा है, हाथरस पहुँच गए, हसर हसर वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ नहीं पहुँचे। 2022 के चुनाव में कौन यूपी का मुख्यमंत्री होगा? देखो लड़ाई अखिलेश और बीजेपी में होगी। जी जी, 2022 में, 22 में अब चौको बने मुख्यमंत्री का तो बताने भाई। अखिलेश और बीजेपी में लड़ाई होगी या अखिलेश की योगी में लड़ाई होगी? अरे वही बीजेपी हो, अब योगी रहा ना रहा हटा दी जाए तब तक। वही तो बात है, मान लीजिए योगी कल हटा दी जाए, शिकायत ज्यादा पहुंच जाए, कोई दूसरा चेहरा बीजेपी लेकर आ जाए चीफ मिनिस्टर, तो अखिलेश तो रहेंगे अखिलेश तो रहेंगे। मतलब की दुविधा है और फाइट अगर होगी तो इन दोनों में ही होगी, दोनों में। मोदी जी तो सबई को चिल्लाते हैं कि उनका भला कहे दे, हम यू बटवा दे रहे, मुँह कहे दे रहे, सभी कही ही तो रहे, कुछ बाकी रखे। और यहाँ जनता मरी जा रही है, 10-10 महीना हो गई स्कूल नहीं खुले, बच्चा बेचारे परेशान है, घर में बाप महतारी परेशान, लड़ाई हो रही लड़कन खातिर, कोई ख्याल कूदते मारे जाते रोज, और स्कूल जाते होते तो काहे मारे जाते। बिल्कुल बिल्कुल, और स्कूल बंद हैं, बैंक खुला हैं। हाँ स्कूल बंद और दारू, कोरोना ठाकुर साहब, कोरोना तो बैंक में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात, कोरोना बैंक खुले, क्या बोले, दारू घर घर बिक रही, घर घर बताओ, घर घर आइए, 4 किलोमीटर पर 4 ठेका है। जब BSP की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी यूपी के अंदर दादा, तब लोग कहते थे कि अब जो है BSP सरकार में हो रहा है, मतलब चमारी नहीं, सब चमारने क्या काम कर। अच्छा ऐसा ऐसा होता था? हाँ और का, सब यहाँ कहते रहे। अखिलेश सरकार में सिर्फ यादव का काम हो रहा था? अब भाई देखो अखिलेश यादव सब कहते नहीं, तो मतलब दादा साफ है, जब भैया जातवाद पर तो दुनिया मरी जा रही भाई। अगर जात बिरादरी की ऐसी बात होती तो सरकार कभी बनी नहीं सकती। बन सकती भैया मेरे, अगर जात में कोई, अगर अखिलेश चाहेंगे हम सिर्फ यादव को लेके जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, बिल्कुल नहीं। या मोदी जी चाहे कि हम अपने सिर्फ पंडित बिरादरी या किसी को ले लें तो क्या जीत जाएंगे वो सबका, लेकिन हर एक चीज का एक मौका होता है भैया, बिल्कुल बिल्कुल, लड़ने का और हर चीज का। 2022 के चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी फाइट होने वाली है? अब 2022 के चुनाव में भैया तो भगवान ही बता सकता है, लेकिन 2005 में हम लोगों तो भैया अखिलेश के बारे में लगाए हुए हैं। अच्छा अखिलेश जी, अखिलेश दादाजी आप किससे उम्मीद लगाए हैं? अखिलेश से, मायावती है, योगी जी, ठाकुर साहब बैठे हैं सामने। हम भैया ठाकुर साहब को डराई जाए, ठाकुर साहब हमारे जो मन वो बोल जाए तो बताइए ना। अब हम कुछ नहीं बोला, 2000 जो उनका कहा गया वो कही डाला। 2022 के चुनाव आप किसको देखना? 22 हम चुनाव जब, अबे बहुत दिन है 22 के, एक साल बचा है, 4 साल निकल गए। हाँ तो 4 साल, 1 साल, 1 साल अखिलेश, मायावती, योगी जी। अब भैया अब हम कहा बताए, हमारे हिसाब से अखिलेश नंबर आई। हाँ मतलब अखिलेश को लाना चाहते हैं? हाँ। गर्दन में देख पा रहा हूँ भगवा भैया है, लबालब चमक रहा है। मोदी जी फिर से? हाँ फिर से आएंगे। योगी जी फिर से? फिर से आएंगे। अखिलेश जी? अखिलेश गए। मायावती के सब गए? हाँ।
आएगा तो कौन? मोदी। और आएगा तो कौन? योगी। सिर्फ दो ही? हाँ, दो ही। और किसी से कोई मतलब नहीं? कोई काम मतलब की अगर जो बात करें, काम की बात करें, अखिलेश या योगी की, दो में से कौन अच्छा था काम के मामले में यूपी के अंदर? यूपी के योगी काम कर ही रहे हैं, सबका कर रहे हैं, कौन नहीं कर? और नहीं, योगी की सरकार आप किस आधार पे लाना चाहते हैं हमें? काम के आधार पे या धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर योगी जी को धर्म के आधार पर देखना चाहते हैं? काम भी है, धर्म भी है। अच्छा, काम योगी जी के मुझे तीन काम की गणना कराइए, तीन काम जो जमीन पे किए हों। विकास सत्ता कर, गंगा जी भाई सफाई करी से। गंगा सफाई हो गई? और का गंगा सफाई हो गई? ठाकुर साहब यहाँ पे भाई साहब बोले कि गंगा साफ हो गई, गंगा का जल निर्मल हो गया, क्या कहेंगे आप? गंगा तो खैर निर्मल नहीं भाई, नामो है। सफाई उफाई काम है, कागज भले भाई हो। ये गंगा जी हम नहाए तो हमका वैसे दिखा पड़ते, मतलब ये गंगा जी वैसे आ वैसे रहा है। अब कौन कौन सफाई हो गया वो अलग चीज है। नहीं ऐसा तो नहीं, उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ चुके हैं, इस वजह से बोल रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं। ठाकुर साहब मुझे बेबाके से जवाब दीजिएगा, आपके पास आते हैं काहे मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, 15 लाख अकाउंट पे आ गए का चाचा? अरे हमारे तरफ भी पैसा भैया, राशन कार्ड नहीं है ना, हम जो किसान का पैसा 2000, हम कुछ नहीं, खाली आग शौचालय प्रधान जी ही नहीं, हमका विकास कोई नहीं है, मगर ये बता रहे हैं काम भी अच्छा है। मतलब कि सिर्फ धर्म की वजह से योगी जी को लाना चाहते हैं? हाँ भाई, धर्म तो है ही है, सिर्फ धर्म की वजह से? हाँ, हिंदू धर्म। विकास से कोई मतलब नहीं? अरे विकास भी साथ साथ हो रहा है, विकास तो बताते क्यों नहीं मुझे? विकास मुझे तीन काम बताइए योगी जी के। भाई अयोध्या का मंदिर बनवा, एक हो गया, और गंगा सफाई करी, गंगा सफाई ठाकुर साहब खुद बोल रहे हैं। हाँ, पहले से कोई भी है, पहले से कोई भी चले, पहले से गंगा साफ ना हो तो बताओ, चाहे जो उन्हें घाट पर चलाए लोटा लाओ, पहले कसम खिलाओ। हाँ चलो कसम खिला, खा ले लाओ, पहले से पहले गंगा साफ ना हो। हम हंस रहे हैं, हम सीरियस मत लीजिए। जो हमको तो लग रहा है कि भाई योगी जी जो करें तो करें, नहीं फिर अखिलेश को तो वही आना है फिर। नहीं बात इतनी लंबी है, मतलब कि आगरा चेन्नई ले जाकर के क्यों बोले, सीधे बोलो ना कौन आएगा 2022 में? अब 2000 में क्या, अब हम है तो इतने है तो नहीं कि कोई लिख के, हम अरमान तो लगा रहे हैं कि अखिलेश अनुमानिक, हम तो यही लगा रहे हैं कि अब किल तो सरकार बदलना है और अब अखिलेश की सरकार बनाना है। अच्छा, विपक्ष ये बोल रहा है कि इस सरकार में, योगी जी की सरकार में सिर्फ ठाकुरों की चल रही है? नहीं, ये तो कुछ नहीं है।